भारत के तेज गेंदबाज दीपक चहर ने मलेशिया एयरलाइंस पर संगीन आरोप लगाए। इस भारतीय गेंदबाज ने शनिवार को दावा किया कि जब वो न्यूजीलैंड से ढाका की यात्रा कर रहे थे तब एयरलाइंस ने उनका सामान खो दिया। इतना ही नहीं, उन्हें बिजनेस क्लास में यात्रा करने के बावजूद खाना तक मुहैया नहीं करवाया गया। दीपक चहर ने शनिवार सुबह टीम के प्रैक्टिस सेशन से पहले ट्वीट किया, मलेशिया एयरलाइंस से यात्रा करना बहुत बुरा अनुभव रहा। पहले उन्होंने हमारी उड़ान बदल दी और इसकी जानकारी तक नहीं थी, और फिर बिजनेस क्लास में भोजन भी मुहैया नहीं करवाया। अब हम पिछले 24 घंटे से अपने सामान का इंतजार कर रहे हैं, जबकि कल हमें मैच खेलना है। इस ट्वीट पर रिप्लाई करते हुए मलेशिया एयरलाइंस ने चहर को शिकायत दर्ज करने के लिए एक लिंक भेजा, लेकिन क्रिकेटर का कहना था कि ये लिंक खुल नहीं रही। मलेशिया एयरलाइंस ने ट्विटर पर जवाब दिया, परिचालन मौसम संबंधी और तकनीकी कारणों से ऐसा हो सकता है, हम असुविधा के लिए क्षमा प्रार्थी हैं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करें, और क्रिकेट से जुड़ी अन्य जानकारियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।